हेलो गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया, मज़े में, मौज बहार है? जी सर, मौज बहार है, आप बताओ। मैं भी एकदम ठीक हूँ दोस्तों। गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। हमारे नए चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। मिलजुल के करेंगे, जल्दी हो जाएगा चैप्टर, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, है ना जी सर। कुछ इसमें 10-12 टर्म्स हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, तो उसको समझेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कुछ एक दो चीज़ें आपको साथ शेयर करने के लिए। जैसे मिस्टर एक्स है एक, ठीक है जी, और ये मिस्टर वाई है, ठीक है जी। ये आंखें बनी, ये मुंह बना, ये आंखें बनी, ये मुंह बना, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या करी? सेल करी, सेल किया, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल किया। अब मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स से पैसा लेना था, सॉरी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल किया। मिस्टर एक्स अब मिस्टर वाई से क्या लेगा? पैसा लेगा। उसको बोलेगा, भाई मेरे को मेरा पैसा दो। मिस्टर एक्स ये बोलेगा। मिस्टर वाई उसको एक क्या दे देगा? पर्ची दे देगा, जिसमें अमाउंट लिखा होगा सपोज 50,000, ठीक है। नाम लिखा होगा मिस्टर एक्स, डेट लिखी होगी 22 तारीख, ठीक है। और साइन होंगे किसके? मिस्टर वाई के, ये वाई के साइन है। और इसमें डेट लिखी होगी कि भैया 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, मतलब आप लगा लो कि 22/25/11/2017 को आके मेरे से पेमेंट ले जाना, सपोज ये लिखा हो उसमें, ठीक है। तो ये बनाया किसने? ये बनाया, मैंने कहा जी ये बनाया आपको मिस्टर वाई ने। ये पर्ची किसने बनाई? मिस्टर वाई ने। तो जो ये पर्ची बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेकर। टेक्निकली वो क्या होता है? क्या होता है? वो होता है ड्रॉअर, ठीक है। और जिसको दिया जाता है, जिसको देने से पहले आप समझो, ये पर्ची को मैं क्या नाम दूंगा? इस पर्ची को मैं बोलूँगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस पर्ची को मैं क्या बोलूंगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। अब एक बारी आ जाओ बुक में, बुक में सारी टर्म्स गिवन है, हम हल्का फुल्का एक आइडिया ले लेते हैं। कह रहा है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर मतलब जिसने बनाया, उसने साइन किया, हाँ भी मैं दूंगा पैसे। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मतलब बोल रहा है किसी सर्टेन पर्सन को टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, कि भैया मैं तुम्हें पैसा दूंगा, या किसी को बोल रहा है कि भैया इसको पैसा दे दो तुम, ठीक है। और टू द ऑर्डर ऑफ, या किसी के ऑर्डर पे, किसको? सर्टेन पर्सन को देगा या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा वो उस इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास ये पर्ची होगी वो इस पर्ची का क्या माना जाएगा? मालिक माना जाएगा। जो पर्ची लेके मेरे पास आएगा मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। बियरर का मतलब क्या है? जिसके पास ये पर्ची होगी उसको मैं पेमेंट कर दूंगा। बियरर का मतलब ये होता है। क्या होता है मतलब? जिसके पास ये पेमेंट होगी, जिसके पास ये पर्ची होगी उसको मैं क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा। तो उसको बोलेंगे अपन क्या? बेरर, ठीक है जी। सो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या बोलूंगा मैं? जिसके पास पर्ची होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो मैं उसको क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा, ठीक है जी सर, बात समझ आती है। जिसके पास वो पर्ची होगी उसको पेमेंट कर दूंगा, या फिर सर्टेन पर्सन को जिसका नाम लिखा होगा, वो सर्टेन पर्सन है तो उसको भी पेमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है जी। ठीक है सर, जिसका नाम लिखा होगा वो, या फिर बेरर को, कोई इशू नहीं है सर हमें। कह रहा है उसमें, आप नीचे आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है इट मीन्स दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अनदर पर्सन टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द बियरर ऑफ द पर्सन। मैंने मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को बोला, डायरेक्ट किया जेड को, बोला कि भैया एक्स को पैसे दे दो। मिस्टर वाई कौन है? मेकर। मिस्टर वाई कौन है? ड्रॉअर। मिस्टर वाई ने जेड को बोला, यहाँ पे मिस्टर वाई ने ये एक जेड है, जेड को बोला इसने, मिस्टर वाई ने, कि भैया एक्स को पेमेंट कर दो, ठीक है। मिस्टर वाई ने जेड को बोला कि भैया एक्स को क्या कर दो? आप पेमेंट कर दो। तो वही कह रहा है, इट मीन्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, इट मीन्स दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ पर्सन, दैट इज इसने ड्रॉन किया, डायरेक्टिंग अनदर पर्सन मतलब मिस्टर जेड को डायरेक्ट किया टू पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द बेरर, कि भैया स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी किसको दो? आप बेरर को दो इंस्ट्रूमेंट के, और टू अ स्पेसिफाइड पर्सन जैसे कि मिस्टर एक्स ऑन हिज ऑर्डर, मतलब बेरर को दे दो आप, या फिर उसके कहने पर किसी स्पेसिफाइड पर्सन को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
द पर्सन सो डायरेक्टेड और ऑर्डर्ड मस्ट एक्सेप्ट इट सो दैट इट बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज. जिसको डायरेक्ट किया, जिसको ऑर्डर किया, वो इसको एक्सेप्ट करेगा. मतलब एक्स ने जेड, वाई ने जेड को बोला, तो जेड इसको एक्सेप्ट करेगा, कहेगा अच्छा ठीक है जी, और इसको क्या बना देगा, एक्सेप्ट करते ही क्या बन जाएगा आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा. ठीक है, वाई जो है वो जेड को ऑर्डर करेगा कि भैया आप दीजिए, जैसे ही वो देगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा. ठीक है जी, ठीक है सर. तो जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही आपका क्या बन जाएगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी. सो द पर्सन सो डायरेक्टेड और ऑर्डर्ड मस्ट एक्सेप्ट इट सो दैट इट बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज. ये क्या बन जाए आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी. सो एक्स ने सेल करी, एक्स ने बोला भैया वाई मेरे पैसे दो, वाई ने एक पर्ची बना के दी, वाई ने जेड को बोला कि आप एक्स को पैसे दो, वाई ने पर्ची बनाई और जेड को बोला कि आप एक्स को पैसे दोगे, तो वाई ने जो पर्ची बनाई उसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज. तब वाई कौन है, मेकर है. वाई ने जेड को बोला कि आप एक्स को पैसे दो, तो जेड ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये पर्ची क्या बन जाएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगी. जेड कौन है, ड्रॉई. जेड कौन होगा, ड्रॉई होगा, क्योंकि जेड ने एक्सेप्ट किया. वाई ने बोला कि भैया पेमेंट करो, तो वाई कौन है, मेकर है, और जेड ने एक्सेप्ट किया, तो जेड कौन है आपका, क्या बन जाएगा, वो आपका ड्रॉई बन जाएगा. ठीक है, और एक्स को पेमेंट करेंगे हम, एक्स भाई साहब को पेमेंट की जाएगी उस केस में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा जब वाई जेड को, वाई ने जेड को डायरेक्ट किया और जेड ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है जी, ठीक है सर. स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दे दिया, देख सकते हैं. डेट लिखी होगी, ये सब दिया हुआ है. फीचर्स कह रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड साइंड बाय मेकर, मेकर करेगा जिसने ड्रॉ किया. इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ पर्सन दैट इज राइट टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट. कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ इतना बोला जाएगा कि जेड आप एक्स को पैसे दें, नॉर्मल बात है. ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्टेड टू मेक इट अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट. जैसे ही ड्रॉई, मतलब जेड एक्सेप्ट कर लेगा इसको, सो दैट ही क्या बन जाए, एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है. इट स्पेसिफाइज द डेट बाई विच द अमाउंट शुड बी पेड. ये स्पेसिफाई करेगा डेट बाई जिससे आप अमाउंट पे कर सकें, और इट इज़ एक्सेप्टेड बाई दी ड्रॉई. ये आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे किससे, ड्रॉई से. पार्टीज कौन कौन है बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर बॉय जो बनाएगा, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करेगा, पे ही कौन है, जिसका नाम लिखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज पे, जिसको मेरे को पेमेंट करनी है. पे ही कौन है, पे इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू होम द अमाउंट इज टू बी पेड. जैसे मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी है, तो मिस्टर एक्स कौन है, पे ही है, इसका नाम लिखा होगा यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो मिस्टर एक्स क्या हो गए, पे ही हो गए. ड्रॉई, ड्रॉई कौन हो गया, ड्रॉई इज द पर्सन ऑन होम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर इज एक्सेप्टेंस. ही इज़ अ पर्सन टू हुम क्रेडिट हैज़ बिन ग्रांटेड बाई द ड्रॉअर ऑफ द एक्सेप्टेंस. ये कौन हो गया, ड्रॉअर हो गया, जिसने बनाया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, जिसको बोला गया जेड को, ये जेड क्या हो गया आपका, ड्रॉई हो गया. इसने एक्सेप्ट किया, इसको डायरेक्ट किया गया, बोला गया कि भैया आप एक्स को पेमेंट करेंगे, और इसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, तो जेड ने एक्सेप्ट किया. एक्स कौन हो गया, एक्स कौन हो गया, पे, जिसका नाम लिखा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज में कि भैया हमें मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी है, या फिर जेड को मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी है, तो मिस्टर एक्स कौन हो गया आपका, पे ही हो गया मिस्टर एक्स. ठीक है, मिस्टर एक्स कौन हो गया आपका, पे ही हो गया. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर एक्स आपका पे ही हो गया. ठीक है जी सर. उसके बाद टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहा है, ट्रेड बिल क्या है, अकोमोडेशन बिल क्या है, एक्सचेंज बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एक्सेप्टेड फॉर अ ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए उसको बोलते हैं ट्रेड बिल, और जो म्यूचुअल हेल्प के लिए होता है उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल. ठीक है जी, एडवांटेजेस आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉमिसरी नोट बताया गया क्या होता है, कह रहा है प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ऑर टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सेम सेम सा लग रहा होगा आपको जी, बिल्कुल सर, सेम सेम सा लग रहा है. प्रॉमिसरी नोट दस इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इन राइटिंग बाय द मेकर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द स्पेसिफाइड पर्सन, की भैया स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन को, और टू हिज ऑर्डर, या उसके ऑर्डर पे, और टू द बियरर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, या फिर प्रॉमिसरी नोट के बियरर को दिया जाएगा. ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि प्रॉमिसरी नोट के बियरर को दिया जाएगा. तो वही कह रहा है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है राइटिंग में. कौन कौन देगा, मेकर देगा, कि भैया वो सर्टेन स्पेसिफाइड सम ऑफ अमाउंट देगा, सर्टेन सम ऑफ मनी देगा, किसको, एक सर्टेन पर्सन को देगा, या उसके ऑर्डर पे किसी बियरर को देगा. ठीक है जी, तो पार्टीज कौन कौन होते हैं, एक मेकर होता है प्रॉमिसरी नोट में, एक पे ही होता है. मेकर कौन होगा, मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट, इट इज़ द पर्सन हु हैज़ अवेल्ड द क्रेडिट. मेकर कौन होगा, जो पेमेंट करेगा, जो प्रॉमिस कर रहा है कि भैया मैं पेमेंट करूंगा, तो वो मेकर है. पे ही कौन है, जिसको पेमेंट करनी है, पे इज़ द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड,
ठीक है। पेई कौन है? जिसको पेमेंट करनी है, जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये चलो ए बी, ये ए और बी है, ठीक है। तो बी ने जैसे बिल बनाया, तो ये कौन हो गया? मेकर, ठीक है। और ए कौन हो गया? आपका पेई। कह रहा है मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस कर रहा है, जो वादा कर रहा है टू पे द अमाउंट, कि भैया मैं पैसा दूंगा। बी ने ए को वादा किया कि मैं आपको पैसा दूंगा, बी ने ए को वादा किया कि मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेकर। और ए कौन है? ए आपका पेई है। ए कौन है? ए आपका पेई। कैसे है जी? पे कह रहा है पेई इज द पर्सन, ध्यान से बुक में देखो, पेई इज द पर्सन टू होम पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट करनी है वो पेई है। इट इज द पर्सन हु हैज ग्रांटेड द क्रेडिट, मतलब ए ने बी को टाइम दिया कि मेरे को 10 दिन में पेमेंट कर दियो। तो ए ने 10 दिन का टाइम दिया बी को, जी बिल्कुल, ए ने बी को 10 दिन का टाइम दिया कि मेरे को पेमेंट कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ने जब बी को टाइम दिया 10 दिन का, मेरे को पेमेंट कर दियो, तो ए ने टाइम दिया, तो ए कौन बन गया? मेरा पेई बन गया। ए कौन बन गया? मेरा पेई बन गया, ठीक है जी। ठीक है सर, ए बन गया आपका पेई, बी बन गया आपका मेकर। बी कौन है? मेकर है, जो पेमेंट करेगा वो मेकर है। और ए कौन है आपका? पेई आपका, ठीक है जी। मेकर कौन है? मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस कि मैं पेमेंट करूंगा। और पेई कौन है? जिसको पेमेंट आपने करनी है, जिसने आपको क्रेडिट दिया है, ठीक है जी। ड्रॉ ड्रॉई पेई अपन ने देख लिया था। ड्रॉ कह रहा है द पर्सन हु मेक्स और राइट बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ड्रॉई जो बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी के डायरेक्ट डायरेक्ट करवाया जाता है। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस, जिसको बोला गया कि भैया आप एक्सेप्ट कीजिए, आप पेमेंट कीजिए इसको। जैसे मिस्टर जेड था हमारे एग्जाम्पल में, पेई कौन था? एक्स था। टर्म ऑफ अ बिल कह रहा है पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन एक्सचेंज ऑन विच अ बिल इज ड्रॉन एंड दैट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड टर्म ऑफ द बिल। बिल टर्म ऑफ द बिल बेसिकली क्या है, आम भाषा में बात करूँ, कितने टाइम में पेमेंट आ जाएगी, टर्म ऑफ द बिल बस। ड्यू डेट, जिस दिन पेमेंट की ड्यू डेट होगी, जिस दिन ड्यू किया होगा कि भैया इस दिन में पेमेंट हो जानी चाहिए। सो ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू फॉर द पेमेंट, ठीक है। ड्यू डेट क्या है? डेट है जिस दिन पेमेंट आपको करनी है, किसकी? बिल की। डेज ऑफ ग्रेस क्या होंगे? कि भैया 3 दिन, देखो 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस देते हैं हम। जैसे अगर 31 तारीख को पेमेंट करनी है तो 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस हम दे के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 31 से जैसे 8 जून को पेमेंट करनी है सपोज, तो 8 मार्च से 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो 8 मार्च से अप्रैल मई जून 8 जून आएगा। 8 जून के बाद हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे के चलते हैं, कि कई बार क्या होता है कई बंदा नहीं दे पाता, तो हम 3 दिन का उसको नॉर्मली ऐसा लॉ ने बोला हुआ है कि आप इसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे के चलें, कानून में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम इसको 3 डेज का ग्रेस पीरियड दे के चलते हैं। ग्रेस पीरियड बोले तो कि भैया ड्यू डेट के बाद 3 दिन का तुम्हें और टाइम मिलता है, आप इसमें हमारी पेमेंट कर दीजिए, नहीं करेंगे तो आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फिर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। डेट ऑफ मेचोरिटी बताई गई है, डेट विच द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द ड्यू डेट ऑफ अ बिल इज कॉल्ड डेट ऑफ मेचोरिटी। कह रहा है उस डेट को ऐड करने के बाद, डेज ऑफ, जैसे ड्यू डेट आपका 8 जून को आपने बिल दिया किसी को, 8/6/17 को, 3 महीने का आपका उसका, आपने उसको 3 महीने का टाइम दिया, तो उसका मतलब है कि आपको 8/9/17 को मिल जाना चाहिए था, ठीक है। आपने उसमें क्या दिए? डेज ऑफ ग्रेस जोड़े आपने उसमें, डेज ऑफ ग्रेस आपने ऐड किए, डेज ऑफ ग्रेस आपने 8 जून को आपने बिल किया, 3 महीने में आपको पेमेंट मिल जानी चाहिए, डेज ऑफ ग्रेस आपने ऐड किए कितने जी? 3 दिन, 3 दिन, 3 डेज लिखो, 3 डेज, तो कितना आएगा जी? 11/9/17। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे? ड्यू डेट, 3 महीने के बाद आएगी ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे, 11/9/17 आएगी, इसको बोलेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है जी। ठीक है सर, उसके बाद क्या कह रहा है?
उसके बाद इसने वो दिया हुआ है, बता दे ड्यू डेज फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आपका बिल एट साइट और डिमांड, कह रहा बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मैंशनड, अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, मतलब जो डिमांड पे दिया जाता है जिसमें कोई टाइम पीरियड मैंशन नहीं होता कि इतने दिन में पेमेंट करनी है उतने टाइम में पेमेंट करनी है, उसको बोलते हैं बिल एट साइट और डिमांड। ठीक है, जैसे कि चेक, चेक हमेशा डिमांड पे दिया जाता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड और इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को डिमांड पे दिया जाएगा इज पेबल ऑन डिमांड, कब, जब उस पर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट पर टाइम लिखा होता है कि आपको इतने टाइम में इसकी पेमेंट करनी है, बट जब टाइम पीरियड ना लिखा हो तो उसको बोलते हैं बिल ऑन डिमांड, बिल एट साइट या फिर और डिमांड, जैसे कि चेक, चेक पर कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा होता बट बिल ऑफ एक्सचेंज पे टाइम पीरियड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रॉमिसरी नोट पे भी टाइम पीरियड होता है, जब ना लिखा हो टाइम पीरियड तो अपन इसको क्या मान के चलेंगे कि ये डिमांड पे है, बिल एट साइट या फिर डिमांड। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या हो गया कि भैया बिल में डिस्काउंट करवा लिया अपन ने, बिल डिस्काउंट करवा लिया, तो ये कह रहा है बिल में भी प्रेजेंटेड टू अ बैंक एन अमाउंट रिसीव अगेंस्ट इट, इट इज़ नोन एज अ डिस्काउंटेड ऑफ अ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल द बैंक डिडक्ट्स इट्स चार्जेस फ्रॉम द बिल अमाउंट्स एंड डिस्बर्सेस द बैलेंस अमाउंट। ऑल्दो हमने डिस्कस करा हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने, मेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, एक पर्ची मिली, मैंने किसी से पैसा लेना था, उस इंसान ने मेरे को बोला कि आप 3 महीने बाद जाके मेरे से पैसा ले लेना, मेरे को आज पैसा चाहिए, मैं बैंक के पास गया, बैंक का मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, ठीक है, जिससे बैंक ने पैसा, बैंक क्या बोलेगा मेरे को, जिसने इस पर्ची पर जिस बंदे ने मेरे को पैसा देना वो भी उसी बैंक का रेगुलर कस्टमर है, मैं भी बैंक का रेगुलर कस्टमर हूँ और जिस बंदे ने मेरे को पर्ची दी है वो भी बैंक का रेगुलर कस्टमर है। मैंने बैंक को बोला बैंक मेरे को आज पेमेंट चाहिए, 3 महीने बाद जब ये पेमेंट आएगी तो आप ये पेमेंट अपने पास रख लेना। बैंक बोलेगा ठीक है, बैंक बोलेगा इसके लिए मैं अपने कमीशन रखूँगा, सपोज़ मेरे को ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये 1 लाख रुपये का, ठीक है, ये 1 लाख रुपये का, बैंक ने बोला भैया मैं आपको आज 98,000 रुपीज़ दूंगा, 2,000 रुपये क्या है बैंक की कमीशन है, बट मैं रखूँगा पूरे 1 लाख, आज नहीं दे रहा हूँ, बैंक कह रहा आप मेरे से ये पर्ची मेरे को दे दो और मेरे से आप 98,000 रुपीज़ ले लो, ठीक है जी, जब 3 महीने बाद पेमेंट आएगी ना तो मैं पूरा का पूरा 1 लाख रख लूँगा। इसका मतलब क्या है, बैंक ने दिया मेरे को कितने 98,000, 98,000, बैंक ने अपने पास रखे कितने 1 लाख, तो बैंक की कमीशन कितनी होगी 2,000 रुपये, बैंक कह रहा मैं तो लूँगा, तो बैंक ने बोला कि आप मेरे से 98,000 रुपीज़ ले लो, ठीक है, तो वो यही बोलता है कि बैंक जो है अपने चार्जेस एंड ऑल ये सब डिडक्ट करके आपको पैसा दे देगा, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, बैंक के चार्जेस को। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को आपने ट्रांसफर कर दिया किसी और पर्सन के लिए, आपको मिला ये पर्ची मेरे को मिली मैंने किसी आगे को दे दी, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना। तो कह रहे हैं एंडोर्समेंट मीन ट्रांसफर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट टू अनदर पर्सन, जैसा मैंने बोला एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दिया दूसरे पर्सन को, जो पर्सन रिसीविंग द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट बिकम्स ऑथोराइज टू रिसीव द पेमेंट। ऑब्वियसली अब मैंने किसी को दे दी, मैंने ये पर्ची किसी और को दे दी, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को दे दिया, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब जिसके पास ये बिल आया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आया, ये पर्ची आई, वो बंदा इसका हकदार बन गया, अब उस बंदे को उसकी पेमेंट मिलेगी, तो वो यही कह रहा है जो पर्सन रिसीव करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रॉमिसरी नोट को वो ऑथराइज हो जाएगा इसको रिसीव करने के लिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था पर्सन हु ट्रांसफर करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को इन फेवर ऑफ अदर पर्सन के लिए उसको बोलते हैं एंडोर्सर, और द पर्सन टू हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट इज एंडोर्स इज कॉल्ड द एंडोर्सी। द पर्सन हु ट्रांसफर द बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ द अनदर इसको बोलते हैं एंडोर्सर, जो पर्सन ट्रांसफर करेगा उसको बोलेंगे क्या एंडोर्सर, और जिस पर्सन के लिए ट्रांसफर किया जाएगा उसको बोलेंगे एंडोर्सी। जैसे मैं करण अरोड़ा, मैंने ट्रांसफर किया ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और को, तो इसको बोलेंगे एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, मैं माना जाऊंगा इसमें एंडोर्सर और जिसको मैंने दिया वो माना जाएगा एंडोर्सी। ठीक है, मैंने आपको दिया ना तो मैं एंडोर्सर हूँ हमारे केस में, और आप कौन हो, आप एंडोर्सी हो, तो वो यही कह रहा है। द पर्सन टू हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स इज कॉल्ड द एंडोर्सी, जिसको एंडोर्स किया गया वो एंडोर्सी, मतलब आपको मैंने दिया, और द पर्सन हु ट्रांसफर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट इज कॉल्ड द एंडोर्सर, मैंने ट्रांसफर किया मैं एंडोर्सर, आपने रिसीव किया आप एंडोर्सी। बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या होता है दोस्त, बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या रहा है, अ बिल रिसीव्ड मे बी रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी बट इट मे बी डिपॉजिटेड विद द बैंक विद इंस्ट्रक्शन दैट द बिल बी रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी एंड रियलाइज्ड ऑन इट्स ड्यू डेट, इट इज़ नॉन एज बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बेसिकली मैंने अपने कागज का टुकड़ा बैंक में जमा करा दिया मेच्योरिटी की डेट तक, इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो मेच्योरिटी की डेट पर क्या करेगा, बैंक कलेक्ट कर लेगा और मेरे अकाउंट में डाल देगा, सिंपल सी बात,
क्या किया मैंने, ये कागज़ का टुकड़ा बैंक में डिपॉजिट करा दिया टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी की डेट पर पैसा आएगा और बैंक मेरे अकाउंट में डाल देगा, सिंपल सी बात। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, आ जाओ। कह रहा बिल रिसीव्ड मे बी रिटेन्ड, रख सकते हैं हम टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, बट इट मे बी डिपॉजिटेड, मे भी है, ज़रूरी नहीं, मे बी डिपॉजिटेड विद द बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं विद इंस्ट्रक्शन दैट द बिल बी रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी। किस इंस्ट्रक्शन के साथ, कि दैट द बिल बी रिटेन किया जाएगा मेच्योरिटी तक, आपका जो बिल है आप उसको रिटेन करेंगे कब तक, टिल मेच्योरिटी को रिटेन करके रखेंगे और रियलाइज करेंगे उसकी ड्यू डेट पे। इसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आप डिपॉजिट करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, बट आपने इसको रखा हुआ है कब तक, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं आती, ठीक है। चाहे आपने उसको बैंक में रखा हो, चाहे अपने पास रखा हो, आपने रखा हुआ उसको कब तक, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं होती, रिटेन किया हुआ आपने ड्यू डेट तक, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है जी। डिसऑनर ऑफ अ बिल मतलब जैसे चेक डिसऑनर होता है, वैसे बिल का डिसऑनर होता है, कि भैया आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक, जैसे चेक जब हम बैंक में डालते हैं और पैसा अगर नहीं होता अकाउंट में तो चेक बाउंस हो जाता ना, तो बस यहाँ पे बाउंस को बोला जाता है डिसऑनर, यहाँ पे बाउंस को क्या बोला जाता है, डिसऑनर बोला जाता है, वही मतलब है, मतलब वही है बस, यहाँ पे बाउंस को क्या बोलते हैं अपन, डिसऑनर। तो कह रहे हैं डिसऑनर मीन्स द बिल, डिसऑनर मीन्स दैट द बिल इज नॉट पेड बाय द ड्रॉई ऑन इट्स ड्यू डेट, उसकी ड्यू डेट पे बिल उसने नहीं दिया ड्रॉई ने। इट अराइजेज व्हेन द एक्सेप्टर रिफ्यूजेज और इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल। डिसऑनर मीन्स दैट द बिल इज नॉट पेड बाय द ड्रॉई ऑन इट्स ड्यू डेट, बिल नहीं दिया ड्रॉई ने उसकी ड्यू डेट पे, ठीक है ना, पेमेंट नहीं आई ड्यू डेट पे, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर हो गया। ये कब अराइज होता है, जब एक्सेप्टर रिफ्यूज कर देता है और अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। कह रहा है कब अराइज होता है, जब एक्सेप्टर मना कर देता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है या मैं नहीं दे रहा, तो उस केस में ये डिसऑनर हो जाता है। नोटिंग ऑफ अ बिल का क्या मतलब होता है, कह रहा है बिल व्हेन सेंट थ्रू अ नोटरी पब्लिक एंड इज डिसऑनर्ड, नोटरी पब्लिक मीन्स, नोटिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या, बिल जब भेजा मैंने थ्रू अ नोटरी पब्लिक के और तब वो डिसऑनर हुआ। नोटरी पब्लिक का मतलब क्या है, कि लीगल स्टैंप लगती है। नोटरी पब्लिक मीन्स अ नोटिंग ऑफ अ डिसऑनर, डिसऑनर की नोटिंग होगी, बोले तो कि भैया हमने लीगल स्टैंप लगवा दी कि भैया ये जो बिल है ये डिसऑनर हो गया, हमने क्या कर दिया, हमने लीगल एक स्टैंप लगवा दी कि ये जो बिल है ये डिसऑनर हो गया, इसको बोलते हैं नोटिंग ऑफ अ बिल, ठीक है जी। नोटिंग ऑफ अ बिल क्या हुआ, बिल व्हेन सेंट थ्रू अ नोटरी पब्लिक एंड इज डिसऑनर्ड, नोटरी पब्लिक मेक्स अ नोटिंग ऑफ अ डिसऑनर, इट इज़ नोन एज नोटिंग ऑफ अ बिल। मैंने नोटरी पब्लिक के थ्रू किसी को बिल भेजा और वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, वापस आया नोटरी पब्लिक के थ्रू ही मेरे पास वापस आया, तो इसको बोलते हैं, और उसने नोटरी पब्लिक वाले ने डिसऑनर की नोटिंग कर दी कि भैया एक स्टैंप लगा दी कि ये बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, इसको बोलते हैं नोटिंग ऑफ अ बिल। मैंने किसी को बिल भेजा, नोटरी पब्लिक के थ्रू भेजा, ठीक है जी, भेज दिया आपने, वो डिसऑनर हो गया, वापस आया नोटरी पब्लिक वाले के पास, उसने एक स्टैंप लगाई और उसने मेरे को दे दी, उसको बोलते हैं नोटिंग ऑफ अ बिल। स्टैंप लगाने को क्या बोलते हैं, मेक नोटिंग ऑफ अ बिल, इसी चीज़ को क्या बोलेंगे अपन, नोटिंग ऑफ अ बिल, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है जी नोटरी पब्लिक में क्या कह रहा है, नोटरी पब्लिक इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शंस रिलेटिंग टू द नोटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसऑनर। नोटरी पब्लिक कौन होता है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ये लोग ऑफिसर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्टैंप लगाते हैं कब, जब आपका बिल जो है डिसऑनर होता है, वो ऑथोराइज कर देते हैं, रिकोगनाइज कर देंगे कि ये जो बिल है आपका ये डिसऑनर हो चुका है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑथोराइज कर देते हैं कि आपका ये जो बिल है ये डिसऑनर हो चुका है, ठीक है जी। ठीक है सर, नोटिंग चार्जेस, वो जो अपने चार्जेस देंगे नोटिंग चार्जेस है। बिल की रिटायरमेंट कब होती है, व्हेन द ड्रॉई पेज द बिल बिफोर इज ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। जब ड्यू डेट से पहली पेमेंट होगी तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। इसके अगर मैंने जल्दी, अगर मैं लेट पेमेंट करता हूँ तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर मैं जल्दी पेमेंट करता हूँ तो मेरे को डिस्काउंट भी मिलता है, उसको हम यहाँ बोलते हैं रिबेट, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिबेट। तो इस केस में हमें रिबेट भी अलाउ की जाती है, ठीक है ना, इस केस में हमें रिबेट भी अलाउ की जाती है। तो वो यही कह रहा है, बिल बिल की रिटायरमेंट कब होती है, जब मैंने ड्यू डेट से पहले ही बिल का पेमेंट वेमेंट हो गया सब कुछ, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। और जो होल्डर होता है वो अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, अलाउ हिम अ रिबेट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट की रिबेट हमें अलाउ करता है, रिबेट हो गया बेसिकली डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ कर देगा कि आपने पहले पेमेंट कर दी तो थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू डेट से पहले ही आपने पेमेंट कर दी, अच्छी बात है, ठीक है। रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है, जब आप अपने पुराने बिल को चुकाने की पोजीशन में नहीं है, तो आप क्या, आप
किसके पास जाते हैं आप? होल्डर के पास जाते हैं, जिसने बिल बनाया उससे रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर वो मान जाता तो आपको नया बिल दे देता है बना के उसके पुराने बिल के बदले में। इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। क्या मतलब हुआ? जब आप अपने बिल को चुकाने की पोजीशन में नहीं है तो आप होल्डर के पास जाएंगे। होल्डर बोले तो जिसने आपका बिल बनाया, अब उसको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो मान जाता तो वो पुराने बिल के बदले में नया बिल देगा, तो उस नए बिल को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूअल ऑफ अ बिल। इसको इस पूरे पीरियड को, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल इज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट पर नहीं दे पाएगा, ही मे विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड बिल। वो किसकी कंसेंट से? होल्डर की कंसेंट से एक्सेप्ट करेगा फ्रेश बिल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड बिल, ओल्ड बिल के प्लेस में। इसको बोलते हैं अपन क्या? रिन्यूअल ऑफ अ बिल। होल्डर कौन होगा? जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, प्रॉमिसरी नोट होगा, उसको बोलेंगे होल्डर। द होल्डर ऑफ अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक इज अ पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज टू इट। ठीक है जी? ठीक है सर। होल्डर कौन होगा? कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, और जो रिकवर करेगा उसको दिखा के अमाउंट। फिर से बोल रहा हूँ, होल्डर कौन होगा? जिसकी पोजेशन में वो बिल है और वो जिसको दिखा के वो रिकवर करेगा अमाउंट। अब इसकी आ जाती है हमारी जर्नल एंट्रीज। ठीक है? सो ड्रॉइंग एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ बिल की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी? ड्रॉअर की किताबों में क्या एंट्री होंगी? बुक से ही देख लेते हैं फटाफट। एक तो गुड्स बेचने की क्या एंट्री होती है? डेटर्स टू सेल्स। ठीक है जी, डेटर्स टू सेल्स। ऑन ड्रॉइंग एक्सेप्टिंग एंड रिसीट ऑफ द बिल, जब आप बीआर एक्सेप्ट करेंगे कस्टमर से, तो आपको बीआर एक एसेट होता है, मैंने बताया, वो आपको मिल जाएगा। और कस्टमर से बेसिकली आप ये मान के चलो बीआर क्या है, एक तरीके से आपको पेमेंट मिली है। तो जब आपको पेमेंट मिलती है आप क्या करते हो? कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो। टू क्या करते हो? टू कस्टमर करते हो। सेम वही चीज़ अप्लाई करोगे, आप बीआर को डेबिट करोगे और टू कस्टमर करोगे। आपने सेल करी तो आप एंट्री करोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आपको आज डेटर्स से पैसे के बदले क्या मिल गया? बीआर मिल गया। तो आप क्या एंट्री करोगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है? बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर आपको कैश मिलता तो अपन यहाँ पे क्या लिखते? कैश लिखते कि भैया कैश अकाउंट डेबिट। आज कैश की जगह क्या मिल गया? कैश की जगह बीआर मिला, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये किसकी किताबों में एंट्री थी? ये तो थी ड्रॉअर्स की बुक में, मतलब जिसने बिल बनाया, जो सेल करेगा, सेल करेगा उसके बदले में उसको क्या मिल जाएगा? बीआर मिल जाएगा। पैसा मांगेगा, पैसा नहीं देगा, वो बोलेगा भैया पर्ची ले ले, बीआर ले ले, तो बीआर ले लिया, डेटर्स खत्म। ठीक है जी? अब जिसने गुड्स खरीदी वो एंट्री क्या करेगा? वो करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। जिसने बुक्स खरीदी वो एंट्री क्या करेगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है जी? टू क्रेडिटर, क्योंकि भैया खरीदी है। ठीक है? अब वो आपको बीपी देगा तो वो क्या करेगा? अगर वो कैश देता तो वो एंट्री क्या करता? भैया क्रेडिटर को डेबिट कर देता टू कैश या फिर बैंक। बट आज वो क्या दे रहा आपको? कैश या बैंक नहीं दे रहा, आज वो आपको एक पर्ची दे रहा है, उसका नाम क्या? बिल्स पेबल अकाउंट। ये थी गुड्स को खरीदा आपने, अब ये पेमेंट करिए, पेमेंट के बदले में आज आप कैश ना देके क्या दे रहे हो? एक पर्ची दे रहे हो जिसका नाम क्या? बिल्स पेबल। अगर ये खरीदार के लिए बिल्स पेबल है, परचेजर के लिए बीपी है, यही सेम चीज़ जिसने बेचा आपको उसके लिए क्या है? बीआर है। मैंने अगर आपको माल बेचा है, ठीक है, मैंने अगर आपको माल बेचा है तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आपने मेरे को एक कागज़ का टुकड़ा दिया, वही कागज़ का टुकड़ा आपके लिए बिल्स पेबल है, और वही कागज़ का टुकड़ा मेरे लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। मैंने, करण अरोड़ा ने आपको सेल किया, मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आपने मेरे को पैसों के बदले में कागज़ का टुकड़ा दिया, वो आपके लिए बिल्स पेबल है, तो मेरे लिए क्या है? वो बिल्स रिसीवेबल है, मेरे लिए एसेट है ना, वो मेरे को आपसे पैसा लेना है तो बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए एसेट हो गया। वही चीज़ आपके, आपको पेमेंट करनी है मेरे को, तो आपने पेमेंट की जगह आज मेरे को क्या किया? कागज़ का टुकड़ा दिया, आपके लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है, इसलिए वो आपके लिए क्या? बिल्स पेबल है। पेबल मतलब पे करना है। ठीक है जी? तो ये होगा आपकी इन दी बुक्स ऑफ
ड्राई और एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया। अब जब बिल जब पे हो जाएगा, ऑन पेमेंट ऑफ बिल मैच्योरिटी पे, ऑन पेमेंट ऑफ द बिल कब, ऑन मैच्योरिटी पे, तब क्या करेंगे अपन, बिल्स पेबल डेबिट कर देंगे टू कैश या बैंक, सिंपल सी बात है। बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश या बैंक कर देंगे, ठीक है जी। अब चार, एक बिल ऑफ एक्सचेंज की चार ऑप्शन है, होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज द फॉलोइंग टू डील विद द बिल, चार ऑप्शन होते हैं बिल के साथ डील करने के, क्या क्या कौन कौन से चार ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन आपकी बुक में दिया हुआ, बुक से ही देख सकते हैं, कह रहा है व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, बिल इज रिटेन करेंगे अपन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अच्छा जी, मेच्योरिटी तक मैंने बिल रिटेन किया, तो कह रहा है बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, तो ड्रॉअर और पे रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट, द एंट्रीज, जब आपने बिल रिटेन किया ड्यू डेट तक, ठीक है, तो आपको पैसा मिलेगा, जी मिलेगा, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे और टू BR कर देंगे, ठीक है जी। आपने अभी यहाँ पे BR को डेबिट किया हुआ था ना, BR को डेबिट किया हुआ था, तो अब आपको BR मिल गया, सॉरी, अब आप पहले आपने BR को डेबिट किया था, मतलब आपने BR लिया था सामने वाली पार्टी से, अभी BR के बदले में आपको क्या मिल गया, कैश मिल गया, तो कैश मिल गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश को डेबिट कर दिया। BR पहले डेबिट था, आज BR खत्म हो गया, BR पहले डेबिट किया था, BR पहले डेबिट किया था ना जी, आज BR वो खत्म हो गया, तो BR को डेबिट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, कैश मिल गया इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया, और BR आपका डेबिट था, डेबिट को ख़त्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन करते हैं पहले अपन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है जी मनीष सोल्ड गुड्स टू कुमार टू द वैल्यू ऑफ 10,000, मनीष ने गुड्स बेची कुमार को 10,000 रुपये की, ड्रॉइंग अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट, उसके ऊपर बिल उसने ड्रॉ किया, मतलब बोला कि भैया 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट चाहिए, ठीक है जी, कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, कुमार कह रहा दे दूंगा जी कोई दिक्कत नहीं है, एंड रिटर्न इट टू मनीष, मनीष को दे दिया उसने एक्सेप्ट करके, साइन करके, जी ले लो, ठीक है। ड्यू डेट पर मनीष प्रेजेंटेड द बिल टू द कुमार हु ऑनर्ड इट, ऑनर्ड इट मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब हो गया कि उसने पेमेंट कर दी, उसने पेमेंट कर दी, ऑनर कर दिया मतलब उसने पेमेंट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है पेमेंट कर दी तो। सो कह रहा पास दी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज, ठीक है जी, सबसे पहले करते हैं दी बुक्स ऑफ मनीष, मनीष की किताबों में, मनीष ने गुड्स बेची हैं तो मनीष कौन है, सेलर हुआ ना, जर्नल बनाएंगे, बहुत ईजी है जर्नल एंट्रीज का खेला, बस और कुछ नहीं है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, डेट तो हमें दी नहीं है, अपन सीधा लिख देंगे कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कुमार टू, सबसे पहले सेल्स की एंट्री होगी है ना, 10,000 डेबिट होगा, 10,000 क्रेडिट होगा, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड टू कुमार, उसके बाद उसने बिल ड्रॉ किया,
है ना, तो मनीष कुमार ने एक्सेप्ट करके उसको वापस कर दिया। तो इसके लिए बिल, इसके लिए बीआर है क्योंकि मैंने बेचा है, मेरे को पैसा लेना है। पैसे के बदले आज मेरे को क्या मिल गया, बीआर मिल गया। किससे मिला, कुमार से। तो कुमार को आज मैं क्रेडिट कर दूंगा, पहले मैंने इसको डेटर बनाया था, आज डेटर से मेरे को क्या मिल चुका है, पैसे की जगह बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल मिल चुका है, तो मैं इसको कर दूंगा डेबिट। ठीक है जी, कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मिल चुका है। ठीक है, ड्यू डेट पे मेरे को क्या मिल चुका है, उसने कह रहा है ऑनर कर दिया, ऑनर कर दिया मतलब ड्यू डेट पे मेरे को पेमेंट मिल चुकी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 10,000, 10,000। नरेशन आप खुद लिख लीजिए, बीआर ऑनर्ड ऑन मेच्योरिटी, बिल ऑनर्ड ऑन मेच्योरिटी। मैंने गुड्स बेची, मनीष ने गुड्स बेची, मनीष को बीआर मिल चुका है कैश, उसके क्योंकि उसने कहा बिल उसने एक्सेप्ट किया कुमार ने और वापस कर दिया, तो इसके लिए बीआर हो गया। कैश की जगह आज बीआर मिला, डेटर से मिला, डेटर आज ख़त्म हो जाएंगे, डेटर ख़त्म हो जाएंगे और डेटर से पैसे की जगह आज बीआर मिल गया, पर्ची मिल गई। अब वो पर्ची आज वो पर्ची ख़त्म हो गई और पर्ची के बदले में क्या मिल गया, कैश मिल गया ड्यू डेट पर। ठीक है जी, ठीक है सर, होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। इसके बाद अपन किसकी किताबों में करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे कुमार की किताबों में। हिंदी बुक्स ऑफ डेट पर्टिकुलर्स एज होलियो अमाउंट, इसने परचेज़ किया कुमार ने, तो एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। ठीक है जी, इसके बाद इसने एक्सेप्ट करके मनीष को बिल वापस किया था, तो इसके लिए बीपी बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, बीपी बनेगा। तो एंट्री क्या करेगा, ये करेगा मनीष अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, मनीष अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, मनीष अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, उसके बाद बिल्स पेबल से इसने पेमेंट कर दी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट किया था क्योंकि आज ख़त्म हो रहा है इसलिए डेबिट कर दूंगा, और बदले में क्या जा रहा है, कैश या फिर बैंक अकाउंट 10,000, ये 10,000, ये परचेज़ किया मनीष से 10,000। मनीष को, मनीष को उसने क्रेडिटर बनाया था, लायबिलिटी थी उसकी, आज उसकी लायबिलिटी ख़त्म होगी और उसने बदले में उसको बीपी दे दिया, बिल्स पेबल दे दिया, ब्लड प्रेशर नहीं, बिल्स पेबल दे दिया। आज बिल्स पेबल जो आपकी लायबिलिटी थी वो भी ख़त्म होगी और बदले में आपके यहाँ से क्या चला गया, कैश चला गया। ठीक है जी, तो 10,000 ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप खुद, क्वेश्चन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज़, मैं आपको डेट्स बताऊंगा, आप मेरे को बताना कि कब कब वो ड्यू हो रहे हैं। एक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेटेड क्या है जी, 12 जुलाई 2013 को, पेबल है 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो आप 12 जुलाई से पहले, 12/7/2013 से 3 महीने गिनेंगे तो कितना बनेगा, 12/10, 12 अक्टूबर बनेगा। ठीक है जी, इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड, जो मैंने आपको बताया कितने दिन का होता है, वो 3 दिन का, 3 डेज। तो क्यों, कौन सी डेट निकल के आएगी, 15 अक्टूबर 2013, तो आपकी डेट निकल के आएगी ये 15 अक्टूबर 2013। तो आपकी वो क्या पूछ रहा है, वो उसने पूछा ड्यू डेट बताओ क्या होगी, आपको ड्यू डेट बतानी थी, तो आपकी ये क्या आ जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है जी, सॉरी, ये तो आपकी ड्यू डेट है, ये आपकी मैच्योरिटी की डेट आ जाएगी, मैच्योरिटी की डेट पूछा उसने। ठीक है जी, सेम ऐसे ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन करते हैं डिस्काउंटेड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या एंट्रीज बनेंगी,
डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अब मैंने बैंक के पास गया, मेरे को सेल सेल हो गई थी, मेरे को सामने वाले बंदे ने वो पर्ची दे दी थी, मैं बैंक के पास गया, बैंक के पास मैं ले गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को मैंने कहा इसको डिस्काउंट कर दो। अब हम डिस्काउंटेड वाले टॉपिक पे आ गए। बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है जी। तो एंट्री क्या बनेगी, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड एंड कैश इज रिसीव्ड और क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। आपके पास बी आर पड़ा हुआ था, आपने क्या एंट्री करी थी, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स जिससे भी मिला था। अब आप यही बी आर, आप कौन हो, आप सेलर हो जिसने गुड्स बेची हैं, तो आपको बी आर मिल चुका है पैसे के बदले में। आपको आज, आप सेलर हो, आपको पैसे के बदले में आज बी आर मिल चुका है। किससे मिला, जिसको आपने माल बेचा था, आपके डेटर से। तो आपने डेटर अपने कम कर दिए, कम करना मतलब आपने क्रेडिट कर दिया डेटर को, बदले में आपको क्या मिल गया, बी आर मिल गया, ठीक है जी। डेटर आपने कम कर दिया और बदले में आपको बी आर मिल गया। पर्ची, अब ये पर्ची आप कहाँ लेके गए, बैंक के पास लेके गए, बैंक को बोला कि बैंक आप मेरे को पैसा दे दो, बदले में आप अपनी कमीशन या डिस्काउंटिंग चार्जेज जो भी हैं वो रख लो। तो बैंक जब आपको पैसा देगा तो आपके पास पैसा आएगा, तो आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या बोलेंगे, डेबिट वोट कम्स इन, कैश या बैंक कम्स इन, क्योंकि एसेट है इसलिए डेबिट वोट कम्स इन लगेगा, कैश कम्स इन, ठीक है। बैंक अपने चार्जेस काटेगा, वो मेरे लिए खर्चा है क्योंकि मैं बैंक को दे रहा हूँ भाई, मैं बैंक से पैसा ले रहा हूँ, जल्दी मैं बैंक को कह रहा हूँ कि जो भी आपके चार्जेस हैं आप काट लो। तो मतलब मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए तो खर्चा है ना, खर्चा तो मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। खर्चे क्या होते हैं, सारे के सारे डेबिट होते हैं एज़ पर नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा, बैंक से मेरे को इतना पैसा मिल गया तो डेबिट वोट कम्स इन, कैश या बैंक कम्स इन। टू डिस्काउंटिंग चार्जेस का क्या मतलब है, सॉरी डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैंक बैंक ने मैंने बैंक को बोला कि भैया जो भी आपके खर्चे, जो भी आपके चार्जेस हैं आप काट लो। तो बैंक जब काटेगा तो मेरे लिए तो खर्चा ही है, तो डेबिट कर दूंगा। और आज मेरे यहाँ से क्या बी आर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बी आर मैंने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। बी आर बोले तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वो बी आर मैंने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर अकाउंट, मैंने बैंक को दे दिया, ठीक है जी। ठीक है सर, ये तो एंट्री होगी ड्रॉअर की बुक्स में, ड्रॉअर की बुक्स में, ठीक है। ड्रॉई की किताबों में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई की किताबों में सिंपल वही एंट्री होगी, बीपी टू कैश या बैंक, क्योंकि भैया उसके अकाउंट से तो सारे पैसे जाएंगे ना, उसको बैंक से क्या लेना देना। बैंक के पास तो मैं गया हूँ, मैं ड्रॉअर हूँ, मैं गया हूँ। ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सिंपल है, उसको तो पैसे देने हैं, चाहे मेरे को दे चाहे बैंक को दे, पैसे तो उसको सबको ही देने हैं। पैसे मेरे को दे रहा लेकिन वो बैंक के थ्रू ही जा रहे हैं ना, पैसे मेरे को दे चाहे बैंक को दे, उसको तो पैसे देने से मतलब है सारे। तो मैंने बोला मेरी जगह बैंक को दे दियो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो बिल्स पेबल को डेबिट करेगा और क्या कर देगा, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, सिंपल सी बात है। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक, उसमें आ जाओ। कह रहा है विनोद, उसके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर 1,000 रुपये की, ठीक है जी। सेल करी, एंट्री बनेगी दरबारा सिंह टू सेल्स, किसकी किताबों में, विनोद की किताबों में। ही ड्रू ऑन द लेटर, ही ड्रू ऑन द लेटर, लेटर होता मतलब दरबारा पे, अ बिल फॉर द अमाउंट, लेटर फॉर्मर और एक लेटर, लेटर मतलब बाद वाला मतलब दरबारा, विनोद पहले आ रहा दरबारा बाद में, तो ही ड्रू ऑन द लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट। बिल उसने ड्रॉ किया, उस पर कैसे पे करना है आपको, 3 महीने के बाद पे करना है। ही डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर्स फॉर 990, उसने बिल डिस्काउंट करा लिया किसने, विनोद ने, 990 रुपये का, 10 रुपये मतलब बैंक के चार्जेस हैं,
990 रुपये उसको मिल गए। ऑन मेच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट, ड्यूली मेट मतलब पैसा आ चुका है। मेक द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विनोद एंड दरबारा सिंह। आइए करते हैं, बहुत आसान चैप्टर है यार, बस जर्नल एंट्रीज का ही तो खेल और क्या है। ऑलरेडी आपको पता है ये वाली सारी एंट्रीज हम पिछले चैप्टर्स में कई बार कर चुके हैं, आप अभी रियलाइज़ कर रहे होंगे मुझे पता है कि ये जो सारी एंट्रीज हम ये ऑलरेडी हम कहीं कहीं जगह करके आ चुके हैं। सो इन द बुक्स ऑफ विनोद, जर्नल डेट तो फिर नहीं दी हुई बट स्टिल हम एक कॉलम बना देते हैं डेट का, दिस पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। दरबारा सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपये से, 1000 रुपये से। नरेशन आप खुद लिखेंगे। इसको अब क्या मिलेगा, दरबारा सिंह से बीआर मिल जाएगा, तो एंट्री करेगा बीआर आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कैश की जगह आज बीआर आया। दरबारा सिंह डेटर था जिससे पैसा लेना था, आज उसने पैसे की जगह पर्ची दे दी, तो बीआर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन बीआर अकाउंट डेबिट हो गया। और क्योंकि दिया किसने, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर देने वाला कौन है, दरबारा सिंह है, तो टू दरबारा सिंह। अगर किसी बच्चे को जर्नल एंट्रीज के रूल याद नहीं है तो वो प्लीज़ ये क्लास देखने से पहले जर्नल एंट्रीज के रूल एक बार ही देख लेगा, अदरवाइज़ क्योंकि इस चैप्टर में भी जर्नल एंट्रीज ही हैं, उसको जर्नल एंट्रीज में फिर प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, अब हम बार बार इस उसी एक टॉपिक पर टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर उस टाइम पर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया था जर्नल एंट्रीज बनाने में। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर किसी को याद नहीं है तो वो पहले इसको पॉज करके वहाँ के चैप्टर्स को रिवाइज कर लेगा, उस चैप्टर को जर्नल एंट्री वाले को, उसके बाद इस पर आएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू दरबारा सिंह 1000 रुपये से, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के पास गया विनोद, सॉरी बैंक के पास चला गया विनोद, तो बैंक से उसको कैश मिल जाएगा या बैंक, सॉरी बैंक से तो उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 990 रुपये मिला उसको। बीआर था कितने का जी, बीआर अकाउंट या डेबिट था, आज ख़त्म हो गया क्योंकि बीआर के बदले में आज पैसा मिल गया, पहले बीआर डेबिट था आज ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि बीआर के बदले में आपको पैसा मिल गया। 1000 रुपये का बीआर चला जाएगा और 10 रुपये क्या माने जाएंगे आपके, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। दरबारा सिंह ने परचेज किया तो परचेज ही अकाउंट डेबिट किससे किया, विनोद से, तो टू विनोद 1000 का। फिर उसने बीपी दिया उसको, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसके लिए बिल्स पेबल है तो उसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। हाउ मच फॉर दिस, 1000 रुपीज़,
बस उसके बाद तो ये तो पेमेंट ही करेगा, जो मर्जी करो आप। बिल्स इसको दरबारा को, दरबारा चाहे विनोद क्यों करे चाहे बैंक क्यों करे, पेमेंट तो करनी है उसको। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 से और 1,000 से, ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ आप, व्हेन बिल इज एंडोर्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इजी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं एंडोर्समेंट वाले में क्या होगा, जब मैंने बिल एंडोर्स कर दिया मतलब मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया क्रेडिटर को अपने, मैंने किसी से पैसा लेना था उसने मेरे को बिल दिया, ठीक है जी दे दिया, मैंने आगे किसी और को पैसा देना है तो मैंने वही बिल उसको दे दिया, तो मतलब मैंने अपनी उधारी में पैसा दे दिया, मैंने अपने क्रेडिटर को पैसा दे दिया, मेरे को आगे से पैसा मिला, मेरे को पर्ची मिली, मैंने अब आगे किसी और को पैसा देना है, मेरी कोई क्रेडिटर है, मेरे को लायबिलिटी है, मैंने उसको वो पर्ची उसको बंदे को दे दी, तो मेरी क्रेडिटर को दे दी। तो कह रहा वैन द बिल इज एंडोर्स और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर, तब क्या होगा, मैं सैलर हूँ, मेरे को आगे से पर्ची मिली, मैं सैलर हूँ, मैंने आपको माल बेचा था, मेरे को आगे से पर्ची मिली, मैंने वही पर्ची अब आगे दे दी, मेरे को आगे से बीआर मिला था, मैंने वही बीआर अब अपने क्रेडिटर को दे दिया ताकि मेरी उधारी भी खत्म हो जाए। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर मैं क्या एंट्री करूँगा, मेरे पास बीआर आया, मैंने बीआर आगे दे दिया, तो जब बीआर एक मेरे लिए क्या है, एक एसेट है, अब मेरे यहाँ से एसेट चला गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीआर मेरे पास आया, मैंने आगे बीआर किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो बीआर एक एसेट है, मैंने आपको बताया, और वो बीआर एसेट, एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से चला गया इसलिए कम हो गया, कम होते तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए टू बीआर करेंगे, ठीक है जी सर। किसको दिया आपने, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, जिसको मैंने पैसे देने थे, तो क्रेडिटर अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, मैंने जिसको पैसे देने थे उसने रिसीव कर लिया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मैंने जिसको पैसे देने थे उसने रिसीव कर लिया, तो मैंने क्रेडिटर को पैसे देने थे अपने, तो उसने रिसीव कर लिया बी आर, तो डेबिट द रिसीवर कौन है, क्रेडिटर है, और मेरे यहाँ से क्या चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट चला गया। सेम ड्राइंग की किताबों में क्या एंट्री होगी, वही बिल्स पेबल टू कैश, उसको तो पेमेंट देने से मतलब है भैया, कोई भी ले लो, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब एंडोर्सी की बुक्स, जिसको रिसीव किया, जिसने रिसीव किया, वही मैंने आगे जिसको दिया उसने रिसीव किया ना, तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, तो एंडोर्सीज बुक में क्या एंट्री होगी, उसको मेरे यहाँ से बीआर गया, उसके पास बीआर आ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बीआर कम्स इन, तो उसको डेबिट करेगा, किससे आया, एंडोर्सर से आया, उसके लिए तो मैं एंडोर्सर हूँ, तो टू एंडोर्सर अकाउंट करेगा, ठीक है। ये था जब एट द टाइम ऑफ रिसीव, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ बीआर, ठीक है। अभी एंडोर्सी का ही हम चलाएंगे कॉन्टिन्यूशन में। अब क्या है जी, अब इसको क्या मिल गया जी, अब ये तो उसको रिसीव हुआ बीआर, अब वो बीआर मैच्योरिटी तक वेट करेगा, तो मैच्योरिटी पर उसको क्या मिल जाएगा जी, इसके बदले में कैश या फिर बैंक मिल जाएगा इस बीआर के बदले में, और ये जो बीआर है अब ये ख़त्म हो जाएगा, तो टू बीआर अकाउंट, ठीक है। पहले एंडोर्सी कौन, जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया उसको बीआर मिल चुका था मेरे से, देखो मैंने मेरे यहाँ से बीआर गया, मेरे को आगे से बीआर पर्ची मिली, बीआर मिला, मैंने बीआर आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो मेरे यहाँ से बीआर चला गया तो क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से एक एसेट था, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, क्रेडिटर, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। ड्रॉइंग मतलब जिसने पेमेंट करनी थी वो तो बीपी टू कैश ही करेगा, पेमेंट चाहे कोई भी ले लो, उसको तो पेमेंट करने से मतलब है। एंडोर्सी मतलब जिसने रिसीव किया, अब वो कागज़ का टुकड़ा बीआर जिसने रिसीव किया उसके पास तो आ गया, तो एक एसेट उसके पास आ गया, एसेट आ गया तो डेबिट करेगा वो, बिल्कुल। किससे आया, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, एंडोर्सर, जिसने ट्रांसफ़र किया, हमारे इस एग्जांपल में मैंने ट्रांसफ़र किया था तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा,
टू एंडोर्सर में मेरा नाम आएगा, ठीक है जी। अब जब ड्यू डेट आ गई, ऑन द डेट ऑफ मेचोरिटी, भैया अब मेचोरिटी की डेट आ गई मतलब अब तो पैसा मिलना है, ठीक है। उस केस में इसके पास कैश या बैंक आ जाएगा, पैसा आ गया किसके पास, एंडोर्सी के पास, और 2BR उसके यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल पैसा मिल जाएगा। तो कैश या बैंक उसके पास आ गया, और जो कागज़ का टुकड़ा जो उसने संभाल के रखा हुआ था आज, वो एसेट उसके वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म करने के लिए, डेबिट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो डेबिट था। ये देखो यहाँ पे अपन ने डेबिट किया हुआ था ना, अब आज पैसा मिल चुका है, तो इसको ख़त्म करना है कागज़ के टुकड़े को। इसको ख़त्म करने के लिए, डेबिट को ख़त्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर 2BR क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है सर, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 20,000 एंड क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के क्रेडिट पे दिया। कह रहा है ही ड्रू ऑन द लेटर मतलब बी पे अ बिल फॉर द अमाउंट, द बिल वॉज एंडोर्स इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में बिल हमने एंडोर्स कर दिया। हु गॉट द पेमेंट ऑन मेच्योरिटी, जिसने मेच्योरिटी पे पेमेंट कर दी मतलब जिसको पेमेंट मिल चुकी है मेच्योरिटी पे। हु गॉट द पेमेंट ऑन मेच्योरिटी मतलब जिसको पेमेंट मिल चुकी है मेच्योरिटी पे। कह रहा है गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, खाली हमें ए की किताबों में एंट्रीज देनी है, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं चाह रहा था कि मैं आपको तीनों वाला करवाऊँ जिसमें तीनों आ रहे हैं, तो तीनों जिसमें आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में तीनों आ रहे हैं मेरे को लग रहा है। कह रहा हूँ ऑन 10 जुलाई 2017 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 3500 की उसने गुड्स बेची बी को, एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल एट 3 मंथ्स, 3 महीने का उसने बिल उस पर ड्रॉ किया फॉर द अमाउंट के लिए, ठीक है जी। बिल एक्सेप्टेड बी एक्सेप्टेड द बिल, बी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर 10 डेज ए ने एंडोर्स कर दिया बिल किसको, अपने क्रेडिटर को, कि भैया ये ले, सी को उसने, ए ने अपने क्रेडिटर को दे दिया कि ये लो आप, जब पैसा मिलेगा आप रख लेना। कह रहा ऑन द ड्यू डेट एक्सेप्टेंस इज ड्यूरी मेट, ड्यू डेट पे एक्सेप्टेंस मेट हो गई मतलब पैसा आ गया, सी को पैसा मिल चुका था। कह रहा शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ए बी सी, मतलब तीन पार्टियां ए बी और सी, ए ने सेल करी थी बी को, ठीक है, इसको क्या मिलेगा, बी आर मिलेगा, ठीक है। इसने, ए ने क्या किया, अपना जो बी आर था वो सी को दे दिया, और सी को मेचोरिटी पे पैसा मिल जाएगा। हमें वही एंट्रीज करनी है जो भी हमने सीखी है, बस अमाउंट के साथ करनी है, अलग अलग किताबों में। पहले करते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, आ जाओ जी। इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट 2017 10 जुलाई लिख लिया जी अपन ने, बी को बेचा तो बी, बी डेबिट, बीज अकाउंट देखो डेबिट टू सेल्स 3500। उसके बाद इसी दिन अपने को बीआर मिल गया 10 जुलाई को, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 3500। अब वो मैंने सी को दे दिया बीआर 10 दिन बाद, क्वेश्चन कह रहा है 10 दिन बाद ए ने एंडोर्स कर दिया बिल किसको, अपने क्रेडिटर सी को, जिसको मतलब ए ने सी के पैसे देने होंगे, ए ने सी के पैसे देने होंगे। तो 10 दिन बाद ए ने वही कागज का टुकड़ा, वही बीआर सी को दे दिया कि भैया ये लो मेरी तरफ से पेमेंट आ गई, कागज का टुकड़ा पकड़ो, जिस दिन पेमेंट आएगी उस दिन कागज का टुकड़ा फाड़ देना। तो उसने सी को दे दिया, तो सीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जी, बी आर गोज आउट, तो बी आर अकाउंट 3500, ठीक है जी। बस इसकी किताबों में तो यही होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीज एक्सेप्टेंस, बी ने एक्सेप्ट कर लिया था ना ये, एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी,
और यहाँ बीज एक्सेप्टेंस वॉज रिसीव्ड, अब इन दी बुक्स ऑफ बी में आ जाओ। बी ने तो परचेज किया 2017 10 जुलाई को, भाई साहब ने परचेज किया था, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए से लिया तो एज अकाउंट 3500, 3500 इसी दिन क्या देगा, बीपी देगा, तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 3500, 3500, ठीक है जी। और कितने महीने का जी बिल है जी अपना, ये 3 महीने का है, तो 10 जुलाई से 3 महीने गिनो कितने बनते हैं, जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर 10, 7, 17 से 3 महीने गिनोगे तो 10 अक्टूबर 17 आएगा। इसमें ग्रेस पीरियड जोड़ो, ग्रेस पीरियड आपको हर जगह जोड़ना है, कितने का 3 डेज का कितना आएगा 13 अक्टूबर 2017, तो मेच्योरिटी किस दिन होगी 13 अक्टूबर 17 को, विच मीन्स कि 13 अक्टूबर को आपकी पेमेंट हो गई, ठीक है जी, 13 अक्टूबर को आपकी पेमेंट हो गई, तो आप एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़, कैश अकाउंट, कितना जी 3500, 3500, चलो जी यहाँ लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ बिल वॉज मेड ऑन इट्स ड्यू डेट, अब करते हैं जी इन दी बुक्स ऑफ सी। सी ने एक तो बी आर रिसीव किया कब, 20 तारीख को 2017, 20 जुलाई को सी को क्या मिल गया बी आर, तो वो क्या बोलेगा कि भैया बी आर मेरे पास आ गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे, किससे आया, ए भाई साहब से आया, ए भाई साहब से आया, तो टू एज अकाउंट 3500, 3500 क्या लिखेंगे, बी आर रिसीव्ड फ्रॉम ए, ठीक है जी, अक्टूबर 13 को फिर पेमेंट होगी, सिंपल सी बात है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे या फिर कैश अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, टू व्हाट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3500, 3500 यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन किया जो फुल फ्लेज है, तो बाकी होमवर्क आपके। इसके बाद टॉपिक आता है व्हेन बिल सेंट, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब मैंने बिल भेज दिया कहाँ पे, बैंक में, किसके लिए, कलेक्शन के लिए,
व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल भेजा सेंट के लिए कलेक्शन के लिए, तो एंट्री क्या बनेगी? बी आर तो खत्म हो ही जाएगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करेंगे और बदले में क्या मिल जाएगा अपने को, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। आज क्या हो जाएगा, आज बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जाग जाएगा, एक नया एसेट बन जाएगा, नया एक पर्ची टाइप बन जाएगी और टू बी आर अकाउंट अपने यहाँ से चला जाएगा, बी आर चला जाएगा और बिल सेंट फॉर कलेक्शन आ जाएगा। और जब पेमेंट होगी, व्हेन द अमाउंट इज रियलाइज, उस केस में क्या होगा सर? बस कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन ख़त्म कर देंगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आ गया, बीआर चला गया, अब जब पैसा आ गया तो कैश या बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। देखो इसका क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत फॉर 1000 पेबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट। जगत पे बिल ड्रॉ किया मोहन सिंह ने 1000 रुपये का, 2 महीने के बाद देना उसने। इमीडिएटली आफ्टर इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करते ही मोहन सिंह ने क्या किया, सेंड कर दिया बिल टू इज बैंक फॉर कलेक्शन, की भैया बैंक आप इसको कलेक्ट कर लेना, मेरी तरफ से अब आप कलेक्ट करेंगे। इमीडिएटली जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं दूंगा, वैसे ही मोहन सिंह ने क्या कर दिया, अपना बिल जो है बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए कि बैंक अब मैं आपसे पैसा लूँगा, अब आप इसको कलेक्ट करके रखना। ठीक है जी, ड्यू डेट पे बैंक ने पेमेंट कर ली, पेमेंट मिल चुकी है, बैंक गेट दी पेमेंट, मतलब बैंक को पेमेंट मिल चुकी थी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, कर देते हैं जी, सिंपल ही है। सबसे पहले करते हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह, कुछ नहीं है इसमें, बस जर्नल एंट्री है, जिसको जर्नल एंट्री समझ आ गई उसके लिए चैप्टर कुछ नहीं है, ये जर्नल एंट्रीज हमें समझ तो आ ही जाएंगी अब, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में इतना अच्छा टाइम लगाया, ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसने कह रहा मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत, मतलब मोहन सिंह ने ड्रॉज अ बिल ऑन जगत, मतलब मोहन सिंह ने बिल ड्रॉज अ बिल ऑन जगत, मतलब मोहन सिंह ने जगत के ऊपर बिल डाला कि भैया पैसा दे। बेसिकली मोहन सिंह ने पैसा लेना था तो मोहन सिंह ने एक बिल डाला कि भैया पैसा दे, तो जगत ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत का मतलब क्या हो गया कि मोहन सिंह ड्रॉर है और बिल ड्रॉ किया बिल जगत पे, मतलब जगत कौन है, ड्रॉ ही है। ठीक है, मोहन सिंह कौन है, ड्रॉर है, जिसने बिल मांगा, अपने पैसे मांगे। मोहन सिंह कौन हो गया, एक तरीके से सेलर हो गया आपका। ठीक है, तो मोहन सिंह को बिल मिलेगा, तो मोहन सिंह एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू किससे मिला उसको, जगत से, तो टू जगत आएगा यहाँ पे, 1000 रुपये से। ठीक है मेरे भाई, मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत का मतलब ये होगा कि मोहन सिंह ने उससे पैसा मांगा जगत से, मोहन सिंह ने ड्रॉ किया बिल जगत पे कि भैया मोहन सिंह बोल रहा है जगत मेरे पैसे दे, जगत ने बदले में क्या दे दिया, बिल दे दिया, ड्रॉज अ बिल कि भैया मोहन सिंह ने जगत का बिल एक्सेप्ट कर लिया। मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत मतलब मोहन सिंह ने जगत का बिल को एक्सेप्ट कर लिया, या जगत ने मोहन सिंह के बिल को एक्सेप्ट कर लिया, उसने हामी भर दी। जगत कह रहा है ठीक है मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, मैंने आपको एक पर्ची दी है, कौन सी, बी आर नामक, तो जो मोहन सिंह ने एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही मोहन सिंह ने ड्रॉ किया बिल जगत पे, मतलब मोहन जगत ने बोला था मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो मोहन सिंह ने एक बीआर बनाया और जगत को दिया, बोला भाई इसको साइन करके दे कि तू हामी भर रहा, कमिटमेंट दे रिटर्न में। जैसे उसने एक्सेप्टेंस करी तो इसके लिए बीआर बन चुका था मोहन सिंह के लिए, उसने फटाफट से बैंक में भेज दिया और बैंक को बोला कि आप इसको मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना, बैंक ने ड्यू डेट पे कलेक्ट कर लिया। मोहन सिंह ड्रॉ द बिल ऑन जगत मतलब मोहन सिंह ने बिल बनाया और जगत की उसमें सहमति ली कि भैया
तुम इस पे साइन करोगे, तुम मेरे को 2 महीने बाद पेमेंट करोगे। जैसे उसने साइन किया, उसने बोला ठीक है मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, वो अब जगत सिंह के लिए क्या बन चुका है, सॉरी वो मोहन सिंह के लिए क्या बन चुका है, अब एक BR बन चुका है। ठीक है जी सर, तो BR2 जगत हो गया। अब BR उसने कहाँ भेज दिया, बैंक में भेज दिया। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 BR आज ख़त्म हो जाएगा, तो 2 BR अकाउंट आ जाएगा 1000 और 1000। उसके बाद क्या है, पैसा मिल जाएगा यहाँ पे, क्या करेंगे नरेशन, BR सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, BR सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अब आज पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000 1000। जगत की किताबों में क्या एंट्री होगी, मोहन सिंह टू BP करेगा वो, क्योंकि उसके लिए बी बिल्स पेबल है, अब जगत के लिए बिल्स पेबल है ना, तो मोहन सिंह को डेबिट करेगा, टू बिल्स पेबल करेगा बस, और बिल्स पेबल टू बैंक कर देगा, क्योंकि उसको तो पेमेंट करनी है, चाहे बैंक को दे चाहे मोहन सिंह को दे, उसको तो पेमेंट करने से मतलब है, चाहे कोई भी बंदा पेमेंट ले ले, ठीक है ना, उसको तो पेमेंट करने से मतलब है, चाहे कोई भी इंसान उससे पेमेंट ले ले, भैया बैंक ले ले मोहन सिंह के नाम पे या खुद मोहन सिंह ले ले, तो वो पेमेंट करेगा इस हिसाब से। तो मोहन सिंह टू BP, उसके बाद BP टू बैंक। ठीक है जी, ठीक है सर, इसके बाद वाला है जिसमें कह रहा है डिफरेंट यूजेस ऑफ BR, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग क्वेश्चन में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या है, होमवर्क है। और इसका जगत आप कंप्लीट कर लेना, ये भी आपका क्या है, होमवर्क ही है। डिसऑनर ऑफ अ बिल है, उसको अपन फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं हम, ठीक है, बाकी का जो रह गया है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जितना कराया मैंने उसको कर लेना अच्छे से, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा आपसे, काफ़ी इजी इजी टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, सो बस इतना ही है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, ध्यान रखना अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।